गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे फोर्थ मिस्टेक के बारे में विच एन इन्वेस्टर शुड अवॉइड वाइल इन्वेस्टिंग ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। जब भी मार्केट डाउन आता है तो हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं। जब भी मार्केट डाउन होता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए जो इसमें आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वैसे स्टॉक्स को ढूंढिए जो आपको चीप रेट में मिल रहे हैं या फिर बहुत डिस्काउंट रेट्स में मिल रहे हैं। हिस्ट्री शोज व्हेन द एसेट्स आर अवॉइडेड द स्टॉक्स आर चीप। यानी कि जब भी मार्केट में एक पर्टिकुलर सेक्टर को जब पब्लिक अवॉइड करती है उसी टाइम पे उसका करेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। जितना हो सके क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए जो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग दे सके फ्यूचर में। तो पैनिक मत होइए जब मार्केट डाउन हो रहा है तभी, और उसमें पैनिक सिचुएशन में या फिर क्राइसिस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए जहाँ पे आप एग्जैक्टली वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वैसे स्टॉक्स ढूंढिए जो आपको फार डिस्काउंट रेट्स में मिल रहे हैं, बहुत डिस्काउंट रेट्स में मिल रहे हैं, वैसे स्टॉक्स में आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए। सो डोंट पैनिक इन व्हेन द मार्केट इज़ गोइंग डाउन। दिस इज़ द फोर्थ मिस्टेक विच एन इन्वेस्टर शुड अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू।